इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एक्टिंग, मैं आपके साथ में। इस वक्त अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। दरअसल 21 अप्रैल से प्रदेश में कन्या विवाह योजना की शुरुआत की जाएगी। इसकी योजना सीएम शिवराज ने की है। बता दें कि पहले इसकी राशि 52,000 थी, जिसे बढ़ाकर 3,000 किया गया है। इसके साथ ही अब कन्या विवाह योजना के तहत वीडियो को 55,000 मिलेंगे। 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने की घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि अब लाडली लक्ष्मी को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके उच्च शिक्षा के लिए जितनी भी फीस होगी उसकी अदायगी राज्य सरकार करेगी। साथ ही बेटियों के जन्म पर खुशियां मनाने की अपील भी की है। सीएम शिवराज ने कहा कि यदि समाज शराबबंदी करने का संकल्प ले तो सरकार भी शराब की दुकान बंद कर सकती है। सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की है कि नशाबंदी के लिए समाज को सजग होकर संकल्प लेना होगा। शराब से समाज को नाश करती है, समाज को सजग रहना होगा। शराबबंदी से अवैध शराब का कारोबार बढ़ता है जो और खतरनाक होता है। उन्होंने प्रदेशवासियों से नशा मुक्ति अभियान में बढ़ चढ़कर भागीदारी की अपील की है। सीएम शिवराज ने कहा है कि गरीब और वंचितों के लिए सरकार आगे आ रही है। पथ विक्रेता योजना का लाभ देकर इन्हें सक्षम बनाया जा रहा है। साथ ही स्वयं सहायता समूह और आजीविका मिशन से महिलाओं को भी सशक्त बनाने और उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की कवायद जारी है। अब हर महिलाओं की आमदनी कम से कम 10,000 प्रतिमाह हो, हम इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।